अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बथुआ साग की रेसिपी। देखने से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये कितना टेस्टी बना हुआ है। इसकी रेसिपी बहुत ही इजी एंड सिंपल है। खाने में ये जितना टेस्टी है शरीर के लिए उतना ही हेल्दी है। अगर आप इस तरीके से ये बनाओगे तो बच्चे भी बहुत ही चाव से इसे खाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। सूर्य किचन में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल डाल के उसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अनियन हमारा थोड़ा भुन चुका है, अब इसको अच्छी तरीके से हिला देंगे। हिलाने के बाद इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इन सबको डालने के बाद अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे जो मसाले वो जले ना, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें बथुआ साग जिसे हमने अच्छे तरीके से धो के काट लिया है और आलू को भी हमने बारीक ही काट लिया है, इसको डाल देंगे। दोस्तों ये अभी बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसे ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे तो ये आधा हो जाएगा इसका। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे। मेरा अभी थोड़ा सा पानी और बचा हुआ है, इसको सूखने तक पका लेंगे। अब ढक्कन को खोल लेंगे। ये देखिए हमारा पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब इसको हिलाते रहेंगे। आपको ध्यान रखना है, इसको बार बार हिलाते रहना है। आप साग को जितना हिलाओगे उतना ही ये टेस्टी बनता है, इसलिए इसको बार बार हिलाते रहे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको ऐसे ही हिला हिला के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हमारे हो गए हैं, इसमें अब हम होममेड मसाला डाल देंगे। अगर आपको होममेड मसाला की रेसिपी जाननी हो तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके इसे देख सकते हैं। हमारा साग बनके रेडी हो गया है, तो अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखिए दिखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक बार साग जरूर ट्राई कीजिए, वाकई यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करने के लिए मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही यूनिक और टेस्टी रेसिपीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।